हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रिंकी और आप देख रहे हैं रिंक्स चॉइस चैनल। आज मैं फिर से आ गई हूँ आपके लिए एक ऐसी भर्ती की जानकारी लेकर जो कि बहुत ही बेहतरीन भर्ती है। अगर आप इंजीनियरिंग करके बैठे हैं तो आपके लिए बहुत सारी भर्तियाँ निकाली गई हैं। किस तरह की इंजीनियरिंग की इसमें आपको ज़रूरत है, कहाँ निकाली गई हैं ये भर्तियाँ, किस तरह से आपको अप्लाई करना है, क्या है पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्या है पूरा सिलेक्शन प्रोसेस, सब कुछ आपको इसी वीडियो में मैं बताऊंगी। अब बात करते हैं इस भर्ती के बारे में जो निकाली गई है मणिपुर पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से, यानी कि MPSC की तरफ से ये भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द फॉलोइंग पोस्ट ऑफ इंजीनियर इन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर एंड मणिपुर स्टेट पावर कंपनी लिमिटेड। तो यह आप देख सकते हैं कि ये जो भर्ती निकाली गई है किस किस के लिए डिपार्टमेंट में निकाली गई है, आपको बता देती हूँ मैं। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में भर्तियाँ निकाली गई है, PHED में निकाली गई हैं, वाटर रिसोर्सेस डिपार्टमेंट में निकाली गई है, माइनर इरिगेशन डिपार्टमेंट में निकाली गई हैं, और सेक्शन ऑफिसर ग्रेड टू की अगर बात करें तो PHED में भर्तियां निकाली गई हैं, वाटर रिसोर्सेज में है वैकेंसी और माइनर इरिगेशन डिपार्टमेंट में। और अगली जो है सेक्शन ऑफिसर ग्रेड वन डिप्टी मैनेजर इलेक्ट्रिकल में निकाली गई हैं MSPCL के लिए, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के लिए। और जो डी है उसमें बता देती हूँ आपको, सेक्शन ऑफिसर ग्रेड टू असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल में MSPCL की भर्ती निकाली गई है, और डिप्टी मैनेजर IT के लिए MSPCL की वैकेंसी निकाली गई है। और आगे रिजर्वेशन फॉर डिफरेंटली एबल पर्सन, जो कि डिफरेंटली एबल हैं उनके लिए, डिसेबल पर्सन के लिए निकाली गई है डिप्टी मैनेजर इलेक्ट्रिकल की भर्ती, असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल की भर्ती, सेक्शन ऑफिसर ग्रेड वन सिविल की और सेक्शन ऑफिसर ग्रेड वन सिविल में PHED की। तो अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग भर्तियां निकाली गई है। किस किस में कितनी भर्ती निकाली गई है ये आप यहां से खुद देख सकते हैं। ये देख लीजिए, पूरी डिटेल है, ये सबकी अलग अलग डिटेल है, यहां से आप पूरी लाइन में देख सकते हैं टोटल कितनी भर्तियां हैं, कितनी वैकेंसी किस में है, क्लास एंड सर्विस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी भर्तियाँ इसमें निकाली गई हैं। काफ़ी ज़्यादा संख्या में इसमें भर्तियाँ निकाली गई हैं। प्रोबेशन पीरियड पर यह भर्ती की जाएगी और इम्फाल में ये भर्तियाँ की जाएंगी। इम्फाल में सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन है, तो इम्फाल में आपको ये एग्ज़ाम देना होगा, आप देख सकते हैं ये। और पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको बता देती हूँ। पहले तो ये 2 ईयर्स के प्रोबेशन पीरियड पर है, बेहतरीन भर्ती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, द कैंडिडेट्स मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, द कैंडिडेट्स मस्ट बी एबल टू स्पीक मणिपुरी, मणिपुरी आना ज़रूरी है आपको, मेटेई लोन और एनी ऑफ द ट्राइबल डायलेक्ट ऑफ मणिपुर, द कैंडिडेट मस्ट बी अ परमानेंट रेजिडेंट ऑफ मणिपुर, मणिपुर का परमानेंट रेजिडेंट होना आपको ज़रूरी है, प्रोवाइडेड दैट कैंडिडेट हुज पेरेंट आर और एनी ऑफ हिज हर एंसेस्टर्स इन हिज हर डायरेक्ट इनिएज आर परमानेंट रेजिडेंट ऑफ द स्टेट विद प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री प्रूफ लाइक एनरोलमेंट इन द इलेक्टोरल रोल एंड बर्थ सर्टिफिकेट विल ऑल्सो बी एलिजिबल। एज लिमिट क्या है, एज लिमिट क्या चाहिए इसमें आपको बता देती हूँ। अ कैंडिडेट शैल नाइदर बी लेस देन 21 ईयर्स एंड नॉट मोर देन 38 ईयर्स ऑन द 1st of July 2019 के अकॉर्डिंग 21 साल से कम नहीं होना चाहिए और 38 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। द अपर एज लिमिट ऑफ द कैंडिडेट शैल बी 38 ईयर्स ऑफ UR कैटेगरी के लिए 38 ईयर्स टू 48 ईयर्स, फॉर OBC कैटेगरी के लिए 43 ईयर्स और SC ST कैटेगरी के लिए एज प्रेस्क्राइब अंडर DP's नोटिफिकेशन। तो आप यहां से देख सकते हैं अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट्स अपॉइंटेड अंडर गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर टू द एक्सटेंट ऑफ द पीरियड ऑफ कंटिन्यूस सर्विस पुट इन द पोस्ट और सर्विस। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है वो आपको बता देती हूँ। अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग में सिविल पोस्ट के लिए आपने डिप्लोमा किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फॉर इलेक्ट्रिकल पोस्ट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल पोस्ट के लिए डिप्लोमा किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, या फिर IT इंजीनियरिंग किया है आपने IT पोस्ट के लिए तो अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई आपको कैसे कर रहे हैं, सबसे पहले बता दूँ कि क्लोजिंग डेट क्या है इसकी, इसकी लास्ट डेट है 7 फरवरी 2018 के बाद आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। 24 जनवरी 2019 से ये शुरू हुआ है, 2018 मैंने बोल दिया, सॉरी,
2019 है एक्चुअली, अभी अभी 18 गया है तो दिमाग में वही रहता है 2018, तो अभी आ चुका है 2019। तो 2019 आप यहाँ से देख सकते हैं, लास्ट डेट है 7th February 2019, और ये है वेबसाइट लिंक जिसके द्वारा आपको अप्लाई करना है। वेबसाइट लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने वो डिटेल आ जाएगी जिससे आप अप्लाई कर सकते हैं। पोर्टल खुल जाएगा, मैं आपको पोर्टल भी अभी खोलकर बता दूंगी कैसे अप्लाई करना है। वेबसाइट पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, बार बार अप्लाई नहीं कर सकते, एक ही बार करना है। तो कोई गलती ना करे, पहले पूरी डिटेल पूरा जो नोटिफिकेशन है सही से पढ़ लें। अपलोड करना है आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर भी अपलोड करने हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपलोड करनी है, पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन अपलोड करनी है, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन अपलोड करनी है, लैंग्वेज एंड फिजिकल नेचर अपलोड करना है, ऐड करना है, और एक्सपीरियंस भी ऐड करना है। कैसे करना है आपको ये कैसे मैं बता दूंगी अभी आपको आगे। फीस कितनी देनी है, 600 रुपये फीस है जनरल कैटेगरी के लिए, और ओबीसी के लिए 400 रुपये फीस है, एससी एंड एसटी के लिए नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं, वीज़ा मास्टर कार्ड डेबिट कार्ड थ्रू पोर्टल अप्लाई कर सकते हैं। नो फीस पेएबल फॉर डीएपी, डिफरेंटली एबल जो कैंडिडेट्स होते हैं हैंडीकैप, उनके लिए कोई फीस नहीं है। फीस कैसे पे करनी है, एक बार फीस भरने के बाद वापस नहीं होगी। सिलेबस देखना चाहते हैं कि इस ये नौकरी कैसे मिलेगी, जो एग्ज़ाम आपको देना है उसका सिलेबस आपको इस वेबसाइट लिंक पर मिल जाएगा। इस पर आप देख सकते हैं पूरी डिटेल, इस वेबसाइट लिंक पर आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा जो एग्ज़ाम की तैयारी करने में आपके काम आएगा। तो ये वेबसाइट लिंक मैं आपको दे रही हूँ वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पर क्लिक करते ही आपके सामने सिलेबस आ जाएगा। अब बात करते हैं नीचे कि पेपर किस तरह का होगा, तो पूरी डिटेल बताई गई है। जनरल इंग्लिश, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पेपर वन, सिविल इंजीनियरिंग पेपर वन, आई टी इंजीनियरिंग पेपर वन, किस तरह का पेपर है, पेपर एंड टाइम सब कुछ इसमें दिया गया है। आप यहां से देख सकते हैं कितने मार्क्स का कितना पेपर होगा, क्या एग्ज़ाम होगा, कितनी पोस्ट है, 270 पोस्ट ऑफ सिविल इंजीनियर, 270 पोस्ट ऑफ सिविल इंजीनियर, 104 इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, टॉप 159 कैंडिडेट्स विल बी इनवाइटेड फॉर द इंटरव्यू प्रोवाइडेड देयर आर 54 एसटी कैंडिडेट्स, 24 ओबीसी मेल कैंडिडेट्स, 4 एससी कैंडिडेट्स एंड ओबीसी एमपी। पूरी डिटेल आप यहां से देख सकते हैं, यूआर के लिए 40%, ओबीसी के लिए 35%, एससी एसटी के लिए 30% मार्क्स लाना इसमें ज़रूरी है, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, तभी आपको ये नौकरी मिलेगी। तो पूरी डिटेल आप यहाँ से देख सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अप्लाई करना कैसे है, अगर आप इंजीनियरिंग करके बैठे हैं तो अप्लाई ज़रूर कर दीजिए जिसमें मैंने आपको बताया। और ये है वो पोर्टल, एमपीएससी का वो पोर्टल है जिसके थ्रू आपको अप्लाई करना है। ये देखिए यहाँ पर साइन अप का एक निशान है, उस पर आपको क्लिक करना है और पूरी डिटेल आ जाएगी। कुछ पूछना चाहते हैं, कोई हेल्प चाहिए तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं हेल्प पर। नोटिफिकेशन देखने हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं, ये देखिए मणिपुर सिविल सर्विसेज कम्बाइंड कॉम्पिटिटिव परमानेंटली प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के बारे में आप यहां से देख सकते हैं, और पूरी डिटेल आपको यहां से मिल जाएगी। ये वाली जो डिटेल है, फर्स्ट वाला मैंने आपको दिखाया, इस पर आपको देखना है, पूरा नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, अपलोडेड है, पूरी डिटेल आपको दिख जाएगी। तो आप यहां से देख सकते हैं, ये देखिए ये पूरी डिटेल आपको यहां से मिल जाएगी। ये मैंने आपको पूरा नोटिफिकेशन दे दिया, रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फॉर्म एग्जामिनेशन सब कुछ आपको यहाँ से मिल जाएगा, और इंपॉर्टेंट लिंक्स भी हैं जो आप यहाँ से देख सकते हैं। मैंने आपको वेबसाइट लिंक दे दिया है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पर आपको क्लिक करते ही इस भर्ती की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और आप देख सकते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन आपको वेबसाइट लिंक के द्वारा मिल जाएगी। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, अगर आपने इंजीनियरिंग की है और जो जो मैंने आपको बताया तो उसमें आपने इंजीनियरिंग की है तो वो डिप्लोमा किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए अगर आपके काम की है वीडियो तो बहुत अच्छी बात है, आप इसके लिए अप्लाई कर दीजिए आज अभी इसी वक्त। अगर आपको लगता है कि ये भर्ती आपके लिए काम की नहीं है, बेकार की वीडियो है, तो आप एक काम कर सकते हैं, छोटा सा काम है, दूसरों की हेल्प कीजिए, हो सकता है कल आपकी भी कोई हेल्प करेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हो सकता है ज़रूरतमंद लोग हों जो आपके ग्रुप में कोई हो इसके लिए एलिजिबल, जो हो आपके फ्रेंड्स हो, कोई उनके भी फ्रेंड्स हो सकता है, आपके फ्रेंड सर्कल के फ्रेंड में भी कोई फ्रेंड सर्कल हो जिसमें कोई तो व्यक्ति होगा जो इसके लिए एलिजिबल होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़रूरतमंद लोगों तक इसकी जानकारी पहुँच जाए, और जो इसके लिए एलिजिबल हैं उन को इसकी इस नौकरी के लिए वो लोग अप्लाई कर सके, उनको ये नौकरी मिल जाएगा। अगर उनको नौकरी मिल जाती है तो सोचिए वो आपके कितने शुक्रगुजार होंगे। आप आज किसी की हेल्प करेंगे, कल आपकी भी कोई हेल्प करेगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचाइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक बार लाइक कर दीजिए, और कुछ पूछना चाहते हैं इस भर्ती के बारे में या अन्य किसी भर्ती के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, पूरे भारत में किसी भी तरह की कोई भी जानकारी किसी नौकरी से रिलेटेड आप जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन के आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। अब आप कॉल मी फॉर ऐप के द्वारा
मुझे कॉल भी कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो डायरेक्टली मुझसे बात भी कर सकते हैं। इसी तरह की वीडियो और इसी तरह की नौकरियों की और भर्तियों की जानकारी मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। पूरे भारत में निकलने वाली सरकारी नौकरी और अन्य भर्तियों की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को आज अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि भारत में निकलने वाली हर एक सरकारी नौकरी की जानकारी और अन्य किसी भी तरह की भर्ती की जानकारी आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।